पत्रकार बैठे हैं यहाँ पे और बुद्धिजीवी भी बैठे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बैठे हैं, वो बता दें कि क्या इस बार काम नहीं हुआ है? 4 साल के आप काम को उठा लीजिए, 2 साल में मेट्रो बना के दी है और 2 साल में एक्सप्रेस वे बनाया है। किसी भी सरकार की उदाहरण हो सकता है, पूरे देश के लिए उदाहरण हो सकता है, इतने कम समय में इतनी योजनाएं चलाई हैं। आज उत्तर प्रदेश में आप गन्ना की स्थिति पता कर लीजिए, गन्ना के उत्पादन में कितना विकास हुआ, और आप दूध का उत्पादन देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में। आप पुलिस की स्थिति पता कर लेना जाके आज कि कितनी स्थिति सुधरी है, और कन्या विद्याधन, लैपटॉप, कई योजनाएं चली हैं। और नेताजी भी बैठे हैं यहाँ, नेताजी बताएं कि आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आपने कई सरकारें देखी हैं, क्या काम नहीं हुआ इस बार? नेताजी को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, नेताजी भी इस बात को मान लें कि मेरी किसी से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन कोई अगर आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा तो बोलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं आपका पुत्र भी हूं और समाजवादी भी हूं। नमस्कार, मैं कुमार शशिवर्धन। इस समाज का किसी भी नेता, किसी भी पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं मुलायम सिंह यादव की आवाज निकालता रहता हूं, इसलिए मैंने कोशिश की थी कि मैं अखिलेश यादव की आवाज निकालूं। अगर ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री ऐसा बोलते हैं मुलायम सिंह, तो उस मंच पर आके क्या बोलेंगे? हाय, वही कहा था और फिर कहे कि हम तीवा रहे मुख्यमंत्री, और कई मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, वहां भी, लेकिन इस बार का काम हुआ है वो बाकी काफी अच्छा है, और इसी में मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ, इतने अच्छे काम किए। और मुझे लग रहा है, हमें मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर जीतेगी और विधायक सभी जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, मैं कुमार शशिवर्धन फ्रॉम इटावा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, धन्यवाद। देखिए, विकास तो हुआ है उत्तर प्रदेश में और जीतेंगे भी, प्रचंड जीतेंगे, क्योंकि सिंचाई में भी हुआ विकास, किसानों को मुफ्त सिंचाई और घर घर जाके न्याय किसानों को मिले उसकी व्यवस्था तो काफी हुआ है। और नेताजी का जो भी संकेत है वही हमारे लिए आदेश है, और सबको मानना चाहिए नेताजी का आदेश, क्योंकि नेताजी ही पार्टी के भी मुखिया हैं और परिवार के भी, और वो ही सर्वे सर्वा हैं उत्तर प्रदेश में भी और परिवार में भी। तो सबको मानना चाहिए, अखिलेश को भी नेताजी का कहना मानना चाहिए। नमस्कार, ये मैंने कोशिश की थी कि मंत्री शिवपाल यादव की आवाज निकाली जाए, और जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी की भी मैं आवाज निकालता हूं, अखिलेश यादव की, दोनों में संवाद हो रहा है, उसको जरा सुनिए। अखिलेश कहते हैं, नेताजी इस साइकिल की चाबी किधर रखी है? आपने फिर लॉक कर दी, अब मैं चुनाव प्रचार में कैसे जाऊंगा? नेताजी कहते हैं, तुम कहीं नहीं जाओगे, हवाई घर में रह के हवाई भाई की बेइज्जती करते हो, तो कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो प्रोफेसर तुमको कुछ भी बोल रहा है और तुम कर रहे हो रामगोपाल, वो तुम्हारा भविष्य खराब कर देगा। अखिलेश, नेताजी आप मुझे चाबी नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, मैं बिना साइकिल के चला जाऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है जब अब चिकनी है, अब तो सड़क सड़क। अब वो ठीक है, चिकनी होगी तुम्हारी ये होगी, लेकिन तुम उस पर कार्रवाई क्यों कर रहे हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो पता है वो पार्टी छोड़ेगा कितना बड़ा नुकसान होगा, तुम पैदा भी हुए थे तब से वो कर रहा है चुनाव प्रचार, और तुम उस पर कार्रवाई कर रहे हो इतनी कड़क कड़क। नेताजी समाज में और समाजवादियों की पहली बार ये सोच गई है देश में कि समाजवादी भी विकास कर सकते हैं, और इसीलिए मैं दोबारा समाजवादियों को लाना चाहता हूं, इसीलिए मैं चाचा भी कार्रवाई की है कड़क कड़क। तो पितू से उपाय पे क्यों रहा है भड़क भड़क, अपना काम कर और उसको भी करने दे। नेताजी हमें तो पापा ने लूटा, चाचा में कहां दम था, और मेरी साइकिल हुई पंचर, सामने अमर सिंह खड़ा था, अमर सिंह के पीछे भी तू पड़ा हुआ है, कुछ भी कर जा रहा है, तुझे पता है वो प्रोफेसर तुझे भविष्य खराब कर दिया उसने तेरा, तुझे मुख्यमंत्री विवादित बना दिया, कभी देखा तुझे मुख्यमंत्री विवादित? बता, हम भी रहे 3 बार अयोध्या में कांड हुआ, और कुछ भी गोली चढ़ गई, हमें खुद अपना छोड़ दिया मुख्यमंत्री का पद,
और 11 महीने बाद बने दोबारा, तो मुख्यमंत्री विवादित होता है और उसने तुझे विवादित बना दिया और तू कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। कई रातों रात काई बुलाई जाती है और तू बुला रहा है जो, और सबको फोन कर रहा है कि आ जाइए आ जाइए, तो तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? और 30 तारीख को अधिवेशन, अब राजस्थान और केरला से कहां से आ जाएंगे लोग? कभी होता है? हम अभी हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हमसे पूछ लेता, सलाह दे देता, और कुछ भी करे जा रहा है मनमारी। नेताजी आप मुझे कुछ भी मत दीजिए, आप मुझे साइकिल ना दीजिए, आप मुझे कुछ भी मत दीजिए, आप मुझे बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। इस बार एक्सप्रेस वे बनाए इतने कम समय में, और कन्या विद्या धन, 55 लाख महिलाओं को बेरोजगारी भत्ता, और भी कई योजना है गन्ना किसान और मजदूर भाइयों के लिए, बुनकरों के लिए। तो मैं बिना साइकिल के हाईवे पे चला जाऊंगा, उत्तर प्रदेश में पहली बार इतनी अच्छी सड़कें बनी हैं। आप मुझे बस अपना आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद हम तुमको दे रहे हैं, ये लिखे अभी इस तक कुछ भी मत करो। अब मुसलमान भाइयों को मनाओ जाके, चुनाव आ रहे हैं इसलिए सीख लो थोड़ी तड़क भड़क, चुनाव आ रहे हैं, तारीखें भी हो गई हैं, तो जाओ मुसलमानों को मनाओ और रैलियां करो और गन्ना किसानों को मुआवजा दिलाओ, तब होगी जीत। उसके लिए जाओ और निको बता, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सर अध्यक्ष महोदय, हम आपके लिए एक बहुत मुश्किल सवाल पर बात करना चाहते हैं कि सरकार बंद कर दिया 500 रुपये का भी, अब किसानों को दिक्कत हो रही है और वो व्यवसायी का उसमें चल रहा है, 100 रुपये है। अब भाई किसान की बेची हो सकती है, गरीब किसान की, और उसको व्यवसाय करें सरकार को बना भी है इसमें, क्योंकि सरकार बनानी और चीन कब्जा कर रहे हैं और उसमें आप ढूंढे बेवफा, और हमसे बेवफाई हुई अमर सिंह की, उसका कुछ नहीं, राम गोपाल ने की है, अखिलेश कर रहा शिवपाल को फंसाए, और हमसे जनता बेवफाई नहीं करेगी इस साल, हमें जिताएगी तब हम बताएंगे। लेकिन सूची में हमारे कुछ ऐसे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के और ऐसे विधायक जो कहीं ना कहीं चुनाव जीत सकते हैं, उनका इस सूची में नाम न होने की वजह से एक अलग सूची जारी करनी पड़ी है। क्योंकि मैंने अगर दौरे किए हैं और हम किसी विधायक से मिले हैं या विधायक हमसे मिला है, तो उसने कहीं ना कहीं अपनी बात रखी है कि वो जीत सकता है और उसने अच्छा विकास किया है, तो उसी आधार पर इस तरह की एक सूची और जारी करनी पड़ी है जिसमें ऐसे उम्मीदवारों के नाम हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादियों को विकास की राह पे ले जाएंगे और जिताएंगे। इसीलिए यह ऐसी सूची समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दी गई है, और नेताजी ने कहा है कि वो इस पे विचार करेंगे, क्योंकि नेताजी भी चाहते हैं कि एक बार फिर समाजवादियों की सरकार बने, और सभी समाजवादियों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी और जनता के लिए बड़ी बात है। इतने कम समय में एक्सप्रेस वे बना दिया, कन्या विद्या धन, मेट्रो, मोबाइल, आपके स्मार्टफोन आ गया है, स्मार्ट सिटी बनी है, और दूध और गन्ने का उत्पादन, तो काम बहुत हुए हैं, घोषणा पत्र से ज्यादा काम कराए हैं। और ऐसे में यदि विधायकों को गलत टिकट दे दिया जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं समाजवादियों को नुकसान होगा, और उसी नुकसान से बचने के लिए इस तरह एक नई सूची जारी की है।